What does the graph say? Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 4 जनवरी 2020 मंडे है, सुबह के 8:58 हो रहे हैं। थोड़ा सा लेट आ सकता है ये वीडियो। एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने, जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, उन्होंने दो वैक्सीन को इमीडिएट, मतलब अगर ज़रूरी है तो इसके लिए परमिशन दे दिया है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। तो उसके मुताबिक आज अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिले। सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये फ्राइडे का पिक्चर है, यानी 1 जनवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। 5 मिनट का ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,025। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट लेवल के बीच में ओपन हुआ और काफ़ी देर ब्रेकआउट लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 1 जनवरी था, चौपीनेस मार्केट में था, जो FII DII का एक्टिविटी होता है वो काफ़ी कम नज़र आ रहा था। उसके बाद फर्स्ट टारगेट 14,040 अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव होते होते रह गया। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो 7 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 5,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट एक बार क्विकली देख लेते। US मार्केट, यूरोपियन मार्केट देखें तो फ्राइडे, जैसे 31 जनवरी को काफ़ी चॉपिनेस देखने को मिला, एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेंड कर रहे थे। एशियाई बाजार आज देखे तो SGX निफ्टी 131 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। हालांकि जापानीज इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर भी देखे तो मामूली सी बढ़त के साथ इस समय पॉजिटिव वे में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। तो चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरुआत करते। डेली चार्ट में अभी हमें नेक स्विंग हाई लो मिला है। तो अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करते, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, तो इसको अगर देखें तो 61.8% का लेवल अचीव हुआ, 76.4% का लेवल अचीव हुआ। अभी ये 14,114 के पास ही है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर 14,114 के पास हो सकता है रेजिस्टेंस देखने को मिले। तो इस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड हमें प्लान करना ज़रूरी होगा। अगर RSI को देखें तो RSI ने अभी तक ये जो स्विंग हाई है, प्राइस एक्शन ने तो लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर चला गया, लेकिन RSI में इसने लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया अभी तक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल्स धीरे धीरे इसका साइज जो है वो छोटा होते जा रहा है। अगर आज भी गैप अप ओपन होता है तो ये न्यूज़ के कारण होगा, और इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन करता है उस लेवल के पास तो आज यहाँ से भी और तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए प्लान क्या होगा, इसके लिए चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये 60 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। अभी यहाँ पर जो हमें नया स्विंग हाई लो मिल रहा है, इसको पकड़ के अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें तो ये देख सकते हैं आप, फ्राइडे को 50% का लेवल के ऊपर आर्ली चार्ट में ये क्लोज नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर ये बार बार पेनेट्रेट कर रहा था 14,042 के पास, और इसके नीचे आके 14,000 के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और जस्ट ऊपर आके ये क्लोज हुआ। तो अभी अगर ये ऊपर की तरफ और बढ़ता है तो आने वाले लेवल्स हमें यहाँ पर 61.8% 14,084, उसके बाद में 14,136 के पास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो आज की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या लेवल्स हो सकते हैं इंट्राडे के लिए? निफ्टी इंडेक्स SGX निफ्टी देखे तो 130 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। तो अगर गैप अप ओपन होता है और ये जो पिवट पॉइंट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, यानी 14,078, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,092, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 14,105, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर निफ्टी इससे भी एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करें, फिर से जब निफ्टी नीचे आएगा और ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करेगा तभी पोजीशन लेना सही रहेगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो जो कल का क्लोज था, यह ऑलमोस्ट पिवट पॉइंट के लेवल के पास है, उसके जस्ट नीचे यानी अराउंड 14,017 को अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,001, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये पिंक लाइन का 20 EMA आर्ली चार्ट में, जो कि अराउंड 13,983 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।